कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो आज किचन में मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी मसाला। तो मैंने सोचा चलो रेसिपी शेयर की जाए आपसे। और आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी उसमें इंग्रेडिएंट्स सब आपके घर में अवेलेबल होंगे, कोई एक्स्ट्रा या कोई बड़े इंग्रेडिएंट की जरूरत हमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं कलेजी मसाला की रेसिपी, चलिए शुरू करते हैं। कलेजी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कलेजी ली है। ये मैंने जो है बकरे की कलेजी ली है। आप चाहें तो ये रेसिपी आप चिकन की कलेजी में भी बना सकते हैं। और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 4-5 बार कम से कम मैंने इसे वॉश किया है ताकि इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर ली हूँ। कुकर में मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम होते ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ली हूँ 2 बड़ी साइज की प्याज, इसे मैंने स्लाइसेस कर दी हूँ। बट ये स्टेज पे हम सारी प्याज ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे इसमें से, बस इतनी सी प्याज हम ऐड करेंगे फिलहाल। इसे हमें 1-2 मिनट तक भूनना है, इसे हमें पूरा गोल्डन नहीं करना है। प्याज को हमने बस इसी स्टेज तक भूनना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अब जो कलेजी है उसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, अब वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसे हम अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं इसे हमें भून के। और यहाँ मैंने 4 इलायची ली हूँ। इलायची को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर ली हूँ। अब हम इलायची को कलेजी में डाल देते हैं। ये करने से ना फ्रेंड्स जो इसकी कोई रॉ स्मेल होगी ना वो नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, प्लस इसका एरोमा भी बहुत अच्छा होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 कप जितना पानी और हम इसे बॉईल करके लेंगे। कुकर का लिड लगा लेते हैं और इसे 5-6 विसल्स लगेंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो लगभग 7-8 विसल्स हो चुकी है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो कुकर में से जो है स्टीम निकल गई है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना कलेजी, बहुत टेस्टी बनेगी। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से पहले बॉयल करने से जो है इसका कलर ब्लैक नहीं होता और ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, फोक की हेल्प से मैंने इसे कट किया और ये देखिए कितना इजीली ये कट हो गया है। इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। अब हमें कलेजी को अलग करना है और उसका जो स्टॉक है उसे भी हमें अलग रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ हम एक फ्राइंग पैन लेंगे जिसमें हम हमारी जो है कलेजी मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल ली। ऑयल मैंने लगभग 4 टेबलस्पून तक का लिया है। आप ऑयल की क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैं डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, लौंग और एक बड़ी इलायची मैंने ऐड की है। और भी स्पाइसेस अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस इसे थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने स्लाइस्ड ऑनियन बचाए थे वो ऐड कर देंगे सारे के सारे। इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी रॉ स्मेल निकलने तक इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टोमेटो की प्यूरी। अगर आप चाहें तो टोमेटोज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये ड्राई हो जाए हम थोड़ा सा जो स्टॉक है हमारा कलेजी का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा और अच्छे से भूनते जाएंगे। देखिए इस तरह से आप स्टॉक से ही इसे भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने जो है कलेजी बॉईल करने के वक्त नमक ऐड नहीं किया है। तो आप लोग भी नमक ऐड मत कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा करने से जो है कलेजी सॉफ्ट हो जाती है। तो वाकई में सही कहा है किसी ने, कलेजी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो कलेजी और स्टॉक को अलग किया था, तो कलेजी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें हल्दी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कलेजी बॉईल करते वक्त हमने हल्दी ऐड कर चुके हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो है मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, मैंने इसे बीच में से कट कर दिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब जो ये स्टॉक बच गया था ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक फ्रेंड्स इसे स्टेज पे आप ऐड कीजिए। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जो स्टॉक हमने ऐड किया था वो भी रिड्यूस हो चुका है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसे रोटी के साथ सर्व करूंगी, इसके लिए इसे थोड़ा सा ड्राई किया है मैंने। और अब इसमें फाइनली मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, मेरे पास थोड़ी कम थी, आप थोड़ी क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। और हम स्क्वीज करेंगे आधा नींबू, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। तो लीजिए रेडी हो गया है हमारा कलेजी मसाला। इसे आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर घर की नॉर्मल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बस इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी पतली कर दीजिए। मैं कलेजी को सर्व करूंगी स्क्वायर शेप के पराठों के साथ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने मस्त पराठे हम बना रहे हैं। और देखिए किचन में जो धूप आ रही है बाहर से, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों में से किस किस के किचन में इस तरह की धूप आती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लीजिए पराठा भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। कलेजी को भी हमने डिश आउट कर लिया है इस तरह से, अनियन के गोल गोल स्लाइसेस से आप डेकोरेट कर लीजिए। कलेजी मसाला को और अट्रैक्टिव और एरोमेटिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे अदरक को जूलियंस में कट करके स्प्रिंकल कर दिया है। इसका लुक और अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज रख देंगे इस तरह से। स्प्रिंकल करेंगे हम हरा धनिया और गार्निश करेंगे इसे लेमन स्लाइसेस से। तो लीजिए तैयार है कलेजी मसाला, हम सर्व करेंगे हॉट हॉट पराठे के साथ। देखिए फ्रेंड्स हमारी कलेजी जो है कितनी सॉफ्ट हो गई है। मम्मा को कॉपी करता है। तो गाइस बहुत ही टेस्टी कलेजी भी टेस्ट किया, वो भी बहुत टेस्टी थी, डिलीशियस थी, यम्मी थी, जो भी बोलूं सब इसके लिए कम है।
तो हो गया है हमारा लंच और सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी इस स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी, बहुत ही जायकेदार थी। और कलेजी तो सबकी फेवरेट होती ही है, ऐसा आई डोंट थिंक किसी को कलेजी पसंद नहीं आती। और जैसे बकरा ईद होती है या फिर रमज़ान ईद होती है, उस मौके पे भी आप इसे बना सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।